दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते अमेरिका ने चीन पर नया निशाना साधा है। अमेरिका ने अब चीन को रूस से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 20वां दिन है, लेकिन अभी फिलहाल रूस यूक्रेन पर हमलों को रोकने के इरादों में नहीं दिख रहा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक एक करके देश लगातार रूस का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन अभी भी रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उधर यूनाइटेड नेशन में जितनी बार भी वोटिंग हुई है, उसमें भारत अपना वोटिंग न करके रूस का विरोध नहीं किया, और इसी को देखकर अमेरिका अंदाजा लगा रहा है कि भारत भी रूस के साथ खड़ा हुआ है। वहीं चीन शुरुआती वोटिंग में रूस का सहयोग करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाद में वह भी भारत की तरह ही यूनाइटेड नेशन की वोटिंग में अपने आप को न्यूट्रल कर लिया था। लेकिन अब वही चीन और रूस के बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि चीन रूस की सैन्य और आर्थिक मदद करने की योजना बना रहा है। इसीलिए अभी कल अमेरिका और चीन के बीच 7 घंटे की बातचीत हुई थी, लेकिन इस बातचीत के बाद अमेरिका ने चीन को बहुत बड़ी हिदायत दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि चीन रूस की सैन्य मदद करके कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठे। अमेरिका ने साफ कहा है कि चीन रूस की मदद करने की कोई भी गलती ना करे, नहीं तो चीन भी रूस की तरह ही दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा, और साथ ही उस पर भी हमारे द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दरअसल चीन अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जा रहा है, और यदि रूस और चीन एक हो गए तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत पर भी अमेरिका द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने रूस से व्यापार करने को लेकर दुनिया के कई देशों को कहा है कि रूस से कुछ दिन तक अपने व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दे। लेकिन कुछ दिन पहले ही रूस और भारत के बीच क्रूड ऑयल को लेकर जो खबरें आ रही थी कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद सकता है, जिस पर अब मोहर भी लग चुकी है, और भारत और रूस के बीच 3 मिलियन बैरल यानी कि 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की डील फाइनल हो चुकी है, और रूस मई महीने तक इस क्रूड ऑयल की डिलीवरी भारत को शुरू कर देगा, और पेमेंट भी भारत मई के महीने में करेगा। रशिया ने भारत को कितनी छूट दी है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारत को $20 से $25 पर बैरल कम किया गया है। आपको बता दें कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद से ये भारत की पहली क्रूड ऑयल की डील है जो अभी तक पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई थी। तो इस लिहाज से इस डील की वजह से भारत को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक तरफ जहां भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कम होगी, और साथ ही भारत अपने विदेशी भंडार को भी बचा पाएगा। तो ये तो दोस्तों थी पहली खबर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, बीते कल नेवल तेजस NP5 की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की HAL के द्वारा कुछ फोटोज साझा की गई थी। यह फोटोज ट्विटर पर साझा की गई, जिसके बाद तहत ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट तेजस का नया वर्जन अब पूरी तरीके से तैयार होने वाला है, और इसमें रडार के लगाए जाने की बस आवश्यकता है। आप स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का काम काफी हद तक पूरा कर लिया गया है, और इसके अगले हिस्से में लगने वाले रडार के काम बस बाकी रह गया है। तेजस एयरक्राफ्ट में जिस रडार का उपयोग किया जाता है, वह इसराइल के द्वारा भारत में इंपोर्ट होता है, और इस रडार का नाम ELM-2032 है। इसराइल में तेजस विमान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कुछ इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, लेकिन जब से कोरोना का दौर हुआ था, उसके बाद इसराइल की तरफ से भारत को एक भी तेजस विमान के लिए इक्विपमेंट अभी तक नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते नेवल तेजस के प्रोटोटाइप के निर्माण में देरी हो रही है। लेकिन अब इसराइल की ओर से कहा गया है कि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर रडार को बनाने वाली कंपनी फिर से तेजी से काम करने वाली है, और जल्द ही भारत को तेजस विमान के लिए रडार मुहैया करा दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2022 के अंत तक नेवल तेजस NP5 तैयार किया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले तेजस विमान भी रडार की कमी के चलते अभी तक सेना में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इजरायली अल्ट्रा कंपनी अब जल्द ही भारतीय रडार की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली है। लिहाजा अब एक ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए LCA तेजस विमान का निर्माण कर लेगा। वायुसेना के लिए कई तेजस विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से खरीदे जाने की डील हुई है। यह जो तेजस विमान होंगे, ये लंबी दूरी तय करने की क्षमता के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हथियारों को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। इसके लिए इस तेजस विमान को अधिक मजबूत इंजन और सर्वश्रेष्ठ युद्ध प्रणालियों से लैस करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।